एसडीएम राठौड़ ने पुष्कर की साफ सफाई और अन्य विकास के मुद्दों पर की चर्चा। पुरोहितों, पार्षदों और व्यापारियों के साथ की गई मंत्रणा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए मंगलवार को उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने होटल सरोवर में पुष्कर सरोवर के 52 घाटों और वैकल्पिक कुंडों की साफ सफाई को लेकर नगर पालिका, विद्युत, जलदाय सहित संबंधित विभागों के कर्मचारियों, तूर्त पुरोहित संघ, व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर सुझाव आमंत्रित किए और दीपावली से पहले सरोवर के घाटों पर बने कुंडों की साफ सफाई करने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया। बैठक में पहुंचे तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने सुझाव दिया कि घाटों पर चारा बेचने वाले गंदगी फैलाते हैं, जिसके कारण सरोवर के घाटों पर गौवंश मंडराते रहते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भी कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह रही कि बैठक में स्थानीय 25 पार्षदों में से महज 7 पार्षदों ने भाग लिया, जो चर्चा का विषय बना रहा। बैठक रखी गई, क्या निर्णय ले गए? आज उपखंड प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और जो पुष्कर के स्थानीय लोग हैं उनके सबके साथ एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया और उसका जो प्रायोजन था वो ये था कि पुष्कर सरोवर को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। और अभी एक दीपावली का महापर्व हमारे सामने आ रहा है, तो जनरली हम लोग दीपावली के अवसर पर अपने घरों, अपने प्रतिष्ठानों की भी साफ़ सफाई करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि जो आगामी 2-3 दिन हमारे पास बचे हैं, इसमें हम पुष्कर सरोवर, उसके घाट और इनकी भी साफ़ सफाई करें और इनको भी दीपावली के लिए तैयार करें। साथ ही साथ विभिन्न पार्षदगणों, विभिन्न व्यापारीगणों, विभिन्न तीर्थ पुरोहित संघ के पंडितों के हमारे बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं कि हम पुष्कर सरोवर और उसके आसपास की व्यवस्थाओं को कैसे और ज़्यादा सटीक कर सकते हैं, अच्छे सुचारू रूप से उनको चला सकते हैं। तो इस संदर्भ में भी हमने उनसे सुझाव लिए हैं और उन सुझावों पर मंथन करके और आगामी 3-4 दिनों में हम उसकी एक कार्य योजना बनाएंगे और उस कार्य योजना के आधार पर पुष्कर को और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आज बैठक हुई, उसमें सभी नागरिकों के द्वारा, अलग अलग मंडलों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा सुझाव दिए गए पुष्कर सरोवर को स्वच्छ रखने के लिए और 52 घाटों को साफ सुथरा रखने के लिए, यात्रियों को सुविधा देने के लिए यहाँ बहुत सुझाव दिए गए। और यहाँ के जो माननीय एसडीएम साहब हैं और माननीय जो ईओ साहब हैं, उन्होंने और सभी विभागों के जो अधिकारी हैं उन्हें उपस्थित होकर के पुष्कर सरोवर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अलग अलग तरह के सुझाव दिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए पब्लिक को संतुष्ट किया। आप क्या इस बैठक से संतुष्ट हैं? निर्णय अभी तक तो आज के हिसाब से संतुष्ट है, अब आगे प्रशासन इसके लिए क्या कार्रवाई करता है वो दिखा जाएगा। वो आने वाले मेले में और उसके सर्वे जो प्रशासन तरफ से मेला नहीं भरे, लेकिन आम जनता की तरफ से तो ये मेला भरेगा, यहाँ पब्लिक आएगी, इसको प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए।